हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट से कि उसके क्या एक्सपीरियंसेस हैं उस यूनिवर्सिटी के, उसको क्या लगता है कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के क्या फायदे हैं, मतलब वो जिस कॉलेज में पढ़ते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं या फिर उसको क्या एक्सपीरियंसेस रहे। तो ये एक्सपीरियंस हम जानेंगे एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जिसका नाम है आकांक्षा चोपड़ा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकांक्षा चोपड़ा है। मैं ज्योतिर्मय स्कूल ऑफ लॉ कैलकटा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मेरा कोर्स है BA LLB 5 ईयर्स कोर्स। और कैलकटा यूनिवर्सिटी के अंडर टोटल 12 कॉलेजेस हैं। स्टार्टिंग के 4 कॉलेजेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के गवर्नमेंट के होते हैं और बाकी के जो है प्राइवेट कॉलेजेस है। मेरा कॉलेज ज्योतिर्मय स्कूल ऑफ लॉ भी एक प्राइवेट कॉलेज है और मुझे यहाँ पे एडमिशन कैलकटा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्रैक करके मिला था। कैलकटा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्रैक करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मोस्टली 4 सब्जेक्ट उनके एग्जाम्स में कवर्ड होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल नॉलेज। तो यही 4 सब्जेक्ट्स जो है मोस्टली कवर्ड होते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में कैलकटा यूनिवर्सिटी के। ये इन सब चीजों में थोड़ा हमें स्टार्टिंग से एग्जाम्स क्रैक करने के पहले हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था एंट्रेंस क्रैक करना कैलकटा यूनिवर्सिटी का। और ज्योतिर्मय स्कूल ऑफ लॉ प्राइवेट कॉलेज होने की वजह से यहाँ की फैकल्टी स्टूडेंट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और थोड़े स्टूडेंट्स भी जाना पसंद नहीं करते कॉलेजेस में, बिकॉज वहाँ की फैकल्टी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती टीचिंग में। और वहाँ पे ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज में पॉलिटिक्स ये सब चीजें ज्यादा हमें देखनी पड़ती हैं और इसीलिए ज्यादातर हम जो प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं हाईकोर्ट में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं ज्यादातर, और वहीं पे हम अपना थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं। इसलिए हमें बुक से ज्यादा प्रैक्टिकल में ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा पता है कि कैसे कौन सी चीजें कहाँ होती हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में भी हमें नॉलेज होती है। तो यही एक एडवांटेज है कैलकटा यूनिवर्सिटी में पढ़ के कि हमें बुक से ज्यादा प्रैक्टिकल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होता है। मैंने अपनी इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी, तो मैं फर्स्ट ईयर से ही हाई कोर्ट आना जाना स्टार्ट कर दिया था, कैसे क्या काम होता है सीखना शुरू कर दिया था। और हर यूनिवर्सिटी की तरह भी कैलकटा यूनिवर्सिटी में हर 6 मंथ्स में ही एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर्स के, और सेमेस्टर्स के लिए भी हमें खुद ही मोस्टली प्रिपेयर करना पड़ता है। कॉलेज से ज्यादा हेल्प नहीं मिलती बिकॉज वी आर नॉट एबल टू गो टू कॉलेज एवरी डे। हम लोग ज्यादातर वीक में एक बार चलेगा या मंथ्स में एक आध बार कॉलेज घूम आते हैं, बट वी एक्टिव ऑन अदर एक्टिविटीज जो कॉलेजेस में होती है, जैसे कि मूड कोर्ट हो गया और अदर डिबेट्स एंड ऑल। यही सब चीजों में इवेंट्स वगैरह पे ही हम ज्यादातर कॉलेज जाना पसंद करते हैं। रेगुलर क्लासेस के लिए हार्डली स्टूडेंट्स कॉलेज प्रेफर करते हैं। और अगर जैसे कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस कैलकटा यूनिवर्सिटीज के, वहां पे क्लासेस होती है रेगुलरली, वहां पे स्टूडेंट्स भी ज्यादा ज्यादा पसंद करते हैं बिकॉज वहां की फैकल्टी अटेंडेंस को लेकर के और स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स में इन्वॉल्व रखने के लिए बहुत सारी अदर चीजें करती हैं, तो वो ज्यादा फोकस रहती है कि स्टूडेंट्स आके कॉलेज में क्लासेस अटेंड करें। बट प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। और एक चीज, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कैलकटा यूनिवर्सिटी में पढ़ के, यही कि कैलकटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के मुकाबले बहुत ही कम समझा जाता है। बिकॉज जहां किसी मेंटर को या कोई अदर बड़ी फर्म्स को पता चल जाता है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के ना होके हम स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो वो हमारी स्किल्स से ज्यादा हमारे कॉलेज के टैग पे डिपेंड रहते हैं कि उनका मेंटालिटी यही हो जाती है कि अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है तो वो स्टूडेंट यूजलेस है या उसे कुछ कुछ नहीं पता जो एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पता होता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ज्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं हाई कोर्ट में। हमारी थोड़ी बहुत एकेडेमिक हमारा थोड़ा बिगड़ जाता है बिकॉज हम ज्यादातर क्लासरूम से ज्यादा हाई कोर्ट या कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में नजर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कैलकटा यूनिवर्सिटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में कि हम, यही एक बहुत सबसे मेन ओवरऑल यही एक चीज है जो हमें फेस करनी पड़ती है स्टेट यूनिवर्सिटी में रह के, कि वो मेंटर्स हमारी स्किल्स से ज्यादा हमारे कॉलेज के टैग पे डिपेंडेंट रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमें क्या आता है या हमें कितनी नॉलेज है एक चीज का लॉ को लेकर के, बिकॉज वी बिलोंग टू द स्टेट यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज। दैट्स द ओनली मेन। ओके, थैंक यू सो मच।
ओवरऑल यही एक चीज थी जो मुझे शेयर करना था. ओके, थैंक यू सो मच.